बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज नॉन फाइलर्स की कैटेगरी ख़त्म कर दी गई है। आज मुल्क के अंदर एक लाइन बिल्कुल तय हो चुकी है कि किसी सूरत भी इस मुल्क के अंदर टैक्स दिए बगैर गुजारा नहीं हो सकता। आज जो सबसे बड़ी लाइन खींची गई है नॉन फाइलर्स के खिलाफ वो ये है कि वो जायदाद नहीं खरीद सकते। जायदाद खरीदेंगे तो वो फाइलर होंगे, फाइलर हो के वो हर साल रिटर्न जमा करवाएंगे तो मामला आगे बढ़ेंगे, वरना इस मुल्क में मामला आगे नहीं बढ़ सकते। टैक्स ना देने वालों के ऊपर 15 पाबंदियां हैं, जिसमें से एक पाबंदी यह है कि वो जायदाद की खरीदो फरोख्त नहीं कर सकते। दूसरी बड़ी पाबंदी जो लगाई जा रही है वो ये है कि वो गाड़ियों की खरीदो फरोख्त भी नहीं कर सकते। यानी कि आपने कोई गाड़ी खरीदनी है, उस गाड़ी के मद में अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आप वो उस तरफ जा ही नहीं सकते। वो कैटेगरी नहीं है आपके लिए, वो सिर्फ फाइलर्स के लिए है। तीसरी जो मेन चीज़ है वो है बैन अल-क़ौमी सफ़र, यानी आप इंटरनेशनल ट्रैवल नहीं कर सकते। चौथा है कि आप करंट अकाउंट नहीं खुलवा सकते। और पांचवा है कि म्यूचुअल फंड में सरमायाकारी करने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। ये नॉन फाइलर्स के लिए एक और कैटेगरी जो है वो मुतारिफ करवाई गई है, जो कि बड़ी हैरान कुन है कि आप सरमायाकारी म्यूचुअल फंड में भी नहीं कर सकते। नाज़रीन, इससे साबित क्या होता है कि पाकिस्तान जो कि ऑलरेडी IMF के प्रोग्राम के लिए बेचैन है, वो IMF के से मुसलसल एक नए हर साल हर हुकूमत नए प्रोग्राम की तरफ चली जाती है, तो IMF पाकिस्तान को जितना स्क्वीज कर सकता है, उसकी इकोनॉमी को जितना टाइट कर सकता है वो कर रहा है, और जितना वो बर्डन आम आदमी के ऊपर डाल सकता है वो डाल रहा है। हुकूमतें तो अपना काम किए चली जा रही हैं, वो अपने अखराजात उस तरह से कम भी नहीं कर पा रहे। ऑस्टेरिटी ड्राइव की बात की जाती थी लेकिन वो महज बात थी, उसकी उसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये नॉन कैटेगरीज की नॉन फाइलर्स की कैटेगरी को ख़त्म कर दिया गया है और अब सिर्फ फाइलर्स रहेंगे। अच्छा, अब इन सब लोगों को जो नॉन फाइलर्स होंगे उनको आइडेंटिफाई कैसे किया जाएगा? उनको आइडेंटिफाई करने का एक बड़ा एडवांस्ड तरीका अपनाया गया है, जिसे एडवांस मशीन लर्निंग कहते हैं, और डिफरेंट एल्गोरिथम्स के जरिए से लोग आइडेंटिफाई होंगे। दूसरा, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट किरदार स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अदा करेगा। उनके साथ मिलकर ऐसे अफराद को उनका तयन किया जाएगा, उनकी निगरानी की जाएगी जिनकी आमदनी उनके लेन देन से मुताबकत नहीं रखती। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उनकी आमदनी जो है वो उनके लेन देन से मुताबकत नहीं रखती। और फिर एक और चीज़ जो आइंदा आने वाले दिनों के अंदर एक्सपेक्टेड है वो है कि ज़रात के ऊपर भी टैक्स लगाए जा रहे हैं। तो अगर ज़रात के ऊपर टैक्स लगाते हैं तो यकीनन आइंदा आने वाले दिनों के अंदर जो है वो मसाइल जन्म लेंगे। तो लिहाजा मेरी ये इस्तदा है लोगों से कि आप फाइलर बने और हुकूमत को जो है वो टैक्स दें, इतना टैक्स ज़रूर दें जितना टैक्स जो है वो आप समझते हैं कि इस निज़ाम को चलाने के अंदर, इस निज़ाम को अपने पाँव के ऊपर खड़ा करने के अंदर मददगार साबित होगा। अगर हम ये नहीं करेंगे तो आइंदा आने वाले दिनों के अंदर हमारे लिए मसाइल जो है वो जन्म लेंगे। जल्द दीजिए अल्लाह।